प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के साथ ही 7वें उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सांवेर में महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें पार्टी के कई दिग्गजों ने शिरकत की। सांवेर में पार्टी की बैठक के दौरान सुबह से लेकर देर शाम तक आयोजन चलता रहा। शाम होते होते जोरदार बारिश भी हुई। एक के बाद एक नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट की जमकर तारीफ की। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपने संबोधन में सांवेर में किए विकास कार्यों और आगामी समय की योजना के बारे में जानकारी देते हुए करोड़ों का चिट्ठा खोला और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए अपने अंदाज में फिर चुनाव जीतने के लिए जनता से गुजारिश की। इस बैठक में प्रदेश के संगठन मंत्री, चुनाव प्रभारी सहित क्षेत्र के कार्यकर्ता व स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन के दौरान सभी ने सहभोज भी किया। मंत्री तुलसी सिलावट जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ संगठन के नेताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था सांवेर नगर के विकास कार्यों के लिए, तो जो आपको प्रेस नोट जारी किया है उसमें पूरी डिटेल इसकी दी हुई है। कुल 12,19,00,000 रुपए सांवेर नगर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिए। अब उसमें 3,75,00,000 रुपये, प्रत्येक वार्ड में 25,00,000 रुपए की सीमेंट कंक्रीट और नाली निर्माण के लिए दिया गया है। 25,00,000 रुपए रोड के साइड में जो पेवर ब्लॉक लगना है, जिससे हमारा नगर स्वच्छ रहेगा और सुंदर दिखेगा। 25,00,000 रुपए, 75,00,000 रुपए सांवेर नगर में रेस्ट हाउस के पीछे गार्डन का निर्माण होना है और उसमें स्विमिंग पूल भी बनना है। उसके बाद में 25,00,000 रुपये, 5,25,00,000 रुपए नगर के विकास कार्यों के लिए, 1,97,00,000 रुपए नर्मदा योजना के लिए, 5,00,00,000 रुपए सांवेर के आंतरिक मार्ग के लिए। इस प्रकार से नगर के समस्त वार्डों में सीमेंट कंक्रीट, नाली निर्माण और गार्डन निर्माण वार्डों में, सभी वार्डों में निर्माण गार्ड, 3 वार्डों में गार्डन निर्माण किए जाएंगे। और इस प्रकार हम माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके विशेष प्रयासों से नगर को जो विकास की सौगात मिली है, उसके लिए सारा नगर और नगरवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और समस्त जानकारी आपको पूरी डिटेल में सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। मौसम इंद्रदेव की उपस्थिति हो गई है और इंद्रदेव का अचानक ब्रेक से वो हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसलिए हम सब आपके साथ व्यवस्थित रूप से बैठे जनता जी का बारे में हमें क्षमा करता हूँ। पिछले 3 महीनों में जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास की जो जवाबदारी दी है, तब से निरंतर मध्य प्रदेश और खास करके सांवेर विधानसभा फिर एक बार तेजी से विकास के रथ पर सवार हुआ है। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सांवेर नगर के विकास के लिए माननीय सिलावट जी ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके लगभग 12,00,00,000 रुपये स्वीकृत कराए हैं, जिसका सीधा सीधा लाभ सांवेर नगर की जनता को मिलेगा। बहुत लंबे समय से हमारे सांवेर के बंधुओं की, मतदाताओं की मांग थी, आंतरिक मार्ग जो मुख्य मार्ग था हमारे सांवेर नगर का, सांवेर के आसपास से आने जाने वाले लगभग 100 गांव के लोग वहां से गुजरते थे। कीचड़ की समस्या होने के कारण नगर के वासियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज माननीय मंत्री जी के प्रयासों से सांवेर नगर को कीचड़ से की समस्या से मुक्ति मिली है। साथ ही और भी तो हमारे यहाँ की मांगे थी, आदरणीय दिलीप जी चौधरी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो सभी जो भी राशि स्वीकृत हुई है उसकी एक एक राशि कौन कौन सी मद में हुई है, कौन से काम के लिए हुई है, उसकी क्रमबद्ध आपको जानकारी देंगे। कल स्वर्गीय प्रकाश सोनकर जी की पुण्यतिथि है, उसकी पूर्व संध्या पर एक विकास की सौगात सांवेर में, एक विकास की गंगा,
विकास का नया संकल्प, प्रगति की नई धारा सांवेर में पूरी होने वाली है और ये मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री मामा के आशीष से हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे बासिंदे यहाँ हैं, मेरे भाई लोग, आप लोग, इतनी बड़ी सौगात वर्षों के बाद जब से सांवेर स्थापित हुआ है, ये बड़ी बड़ी सौगातें आई हैं, कॉलेज की, अस्पताल की, बाईपास की, मंडी की, पर ये उससे मूलभूत समस्याओं के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। नर्मदा मैया सांवेर चलो, कहाँ चलो, सांवेर का ये सपना वर्षों के बाद पूरा हो रहा है। मैं सांवेर के सभी जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर सारे वरिष्ठ नेताओं को मैं उनका आभार मानता हूं, क्योंकि इधर से लेकर जो अब तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के होगा, सर छोटे से कार्यकर्ता हैं, सावन भाई का क्यों, जो एक सपना था वो पूरा होने वाला है कि नर्मदा मैया सांवेर आ रही है और 43 गांव पहले से अभी मैंने स्वीकृत करा दिए, सिंचाई के साथ पीने की व्यवस्था उनकी कर दी और एक बड़ी सौगात पूरे सांवेर के 185 गांव, 2400 करोड़ की योजना सांवेर की। ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि मैं सोचता हूं कि भविष्य में ना कभी हुआ ना कभी होने वाला है, ये इसका सांवेर के विकास का मील का पत्थर होगा, ये एक स्टोन होगा, एक सांवेर के विकास की बुनियाद होगी, क्योंकि पानी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ आप जानते हैं सांवेर का आंतरिक मार्ग, आप बहुत उत्तेजित होते थे, हमको प्रेरित करते थे, आपके आंखों के सामने ये घोषणा नहीं, ये जितने लोग बैठे हैं अभी काम देख सकते हो, आधा हो गया और सीसी रोड का प्रारंभ हो गया है, और जो ये आज जो आपको ये दस्तावेज दिया है, ये सारे के सारे अध्यक्ष जी स्वीकृत होकर अनुमति मिल गई, अब तो सिर्फ काम करना है। और इसी के साथ मैंने कहा ना, स्वास्थ्य लगभग सांवेर के सारे अस्पताल उन्नयन के लिए 50 करोड़, कितने करोड़, 50 करोड़ ये कर रहे हैं। और जो सड़क ही में बहुत, मंडी के सामने की सड़क थी ना आपकी दौला रोड से, या बाईपास, ये इसको भी अति शीघ्र पूरे होने वाली है। अभी 30 सड़क हमने जनपद से, खेत सड़क वो स्वीकृत कराई, 9 सड़कें और ये विस्तार पूर्वक अभी दे देंगे, 9 सड़कें वो भी स्वीकृत हो गई हैं स्टेडियम के लिए। अभी एक स्ट्रीट लाइट सांवेर में होना चाहिए कि नहीं, और स्टेडियम के लिए प्रस्ताव हो गया है, स्मार्ट सिटी सांवेर बनना चाहिए कि नहीं, ये भी एक सपना है। जब इंदौर में मेट्रो चले, उज्जैन में चले, सांवेर में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये भी मेरा एक संकल्प है। और आप जानते हैं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जो फसल गेहूँ की बम्पर पूरे मध्य प्रदेश हमारे सांवेर में हुई, जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1,42,000 मेट्रिक टन हमने गेहूं खरीदा,
जो मध्य प्रदेश में अव्वल नहीं पंजाब को भी हमने गेहूँ खरीदी में पीछे छोड़ा, ये काम देश में नंबर वन में कोई आया है तो ये मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों का किया। फसल बीमा 2900 करोड़ का वो किया, संबल योजना चालू कर दी। आप जानते हैं एक संकट, एक महामारी मध्य प्रदेश ने पूरे विश्व में चली थी, प्रवासी मजदूर जो देश के अन्य प्रांतों से चलकर हमारे मध्य प्रदेश से निकल रहे थे, हजारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में सैकड़ों ट्रेन चलाई, सैकड़ों बस चलाई, उनके प्रांत में भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, लंच की, अपने ब्रेकफास्ट नाश्ते की व्यवस्था।